हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वर्किंग मदर लाइफ विद अलका शुक्ला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरा तो भ्रम ही टूट गया, क्योंकि खासकर हम वर्किंग वुमेन इस चीज में बहुत खुश रहते हैं कि हम एक सुपर वुमेन है और हम हर काम को कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसकी निगेटिव पहलू के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम सुपर वुमेन नहीं है। इसके पहले के मैंने वीडियो में आप लोगों को सेल्फिश के बारे में बताया था, जिसको हम हमेशा एक निगेटिव अप्रोच के साथ ही सोचते हैं, लेकिन उसके हम पॉजिटिव पहलू के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे कि कितना हेल्पफुल है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है उसको हम हमेशा, खासकर महिलाएं, उसको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह लेती हैं और हम परेशान रहते हैं। लेकिन अगर हम उसके निगेटिव पहलू को समझ लेंगे तो शायद हम उस भ्रम में नहीं रहेंगे और अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर और अच्छे से अपने काम को करना शुरू कर देंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में मैंने अपने अपनी लाइफ में भी इसको ध्यान में रखा है। और क्योंकि हम जिस गलतफहमी में रहते हैं उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसे मुझे अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। और जब मैंने उससे बचने के लिए इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया तो मैंने इसके देखा कि इसके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको, आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि मैंने इसको अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिव अप्रोच में लिया और अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ भी इसको शेयर करूंगी। तो आइए सीखते हैं कि वो कौन सा ऐसा विषय है जिसे हम पॉजिटिव लेते हैं लेकिन उसके हमें निगेटिव पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज का टॉपिक है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई कामों को करने वाले। आजकल का जो समय है, मल्टीटास्किंग सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। लेकिन मल्टीटास्किंग हम महिलाओं के लिए खास गुण माना जाता है कि हम इसे अच्छे से निभा पाते हैं। मेरी बात से हर कोई रिलेट करेगा कि इसके कारण हम अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल तीनों लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ता है अगर इसे अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं किया जाए तो। और इस चीज से मैं कुछ ज्यादा ही रिलेट कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए हैं जो इस मल्टीटास्किंग को बैलेंस करने के लिए। आज मैं आप लोगों से जिस टिप्स के बारे में बातें करूंगी वो हम सभी को पता होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है जो हमें पता नहीं है, लेकिन उसे हम अपनी लाइफ में एप्लीकेबल नहीं करते हैं। अगर हम उन छोटी छोटी चीजों को भी अपने लाइफ पे ध्यान देने लग जाएं और उसको एप्लीकेबल करने लग जाएं तो ये हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह उलझन में हैं और इस उलझन को दूर करना चाहते हैं तो चलिए सीखते हैं कि कैसे ये हमारे लिए नुकसानदायक है और इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में एक साथ कई काम करना जरूरी हो गया है और हम महिलाओं के लिए तो एक खास गुण बन गया है कि हम एक साथ कई काम को करते हैं, जिससे कि हमें शारीरिक थकान भी होती है और मानसिक थकान भी हो जाती है। इससे बचने के लिए जो है सबसे पहला उपाय ये है कि हमें अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए मैं योग और एक्सरसाइज का सहारा लेती हूँ, जिससे कि हमारा स्टेमिना तो बढ़ता ही है साथ में हमारा फोकस भी बढ़ता है, इसलिए जिससे कि मैं अपने काम को
अच्छे से कर सकूं और मुझे मानसिक और शारीरिक थकान भी ना हो पाए। तो इसलिए अपने लिए थोड़ा बहुत समय तो डेली रूटीन से निकालना ही चाहिए। मल्टीटास्किंग से काम की क्वालिटी पर असर पड़ता है। हम कितने भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन अगर हम एक साथ एक से ज्यादा काम करते हैं तो हमारा काम तो किसी तरह से पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी में बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो शायद बोलने में या आप लोगों को सुनने में अजीब लगेगा लेकिन वो सही है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि क्या मैं ये काम करने में सक्षम हूँ, क्या मैं ये दो काम एक साथ या दो से ज्यादा काम एक साथ कर सकती हूँ। यदि आपका मन हाँ कहे तो ही हम उस काम को कर सकते हैं, फिर भी एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन उसको कहने में संकोच कर रहा है तो सबसे पहला जो है अपने आप से ना बोलना सीखिए, क्योंकि यदि हम अपने आप से ही ना बोल पाएंगे तो शायद हम दूसरों को भी उस काम के लिए ना बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम संकोच में ना नहीं बोलते हैं और हमें लगता है कि हम ये काम चलो कर देंगे, लेकिन उससे उसके काम तो पूरा हो जाएगा लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है कि जिस काम को करने में मैं सक्षम हूँ वो काम मैं करती हूँ, लेकिन जिस काम को करने में मुझे सहूलियत नहीं होती है या जो काम मैं एक साथ दो काम नहीं कर पाऊंगी उसके लिए मैं अपने आप से ना बोलती हूँ। मल्टीटास्किंग से काम की क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि जब हम एक साथ कई कामों को करने की कोशिश करते हैं तो हम हमारा फोकस पूरा उस काम को पूरा करने में रहता है, लेकिन उसको हम और भी कितने या कैसे रचनात्मक तरीके से पूरा कर सकते हैं इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। के लिए हम टाइम मैनेजमेंट का सहारा ले सकते हैं। ये बात करूं तो मैं अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए और अपने पैशन के लिए, तीनों के लिए मैंने अपना समय निर्धारित कर दिया है और मैं उस निर्धारित समय में ही उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और जिससे कि मुझे उस काम को करने के लिए मैं और कितने अच्छे से या कितने अच्छे रचनात्मक तरीके से उस काम को कर सकती हूँ, उस समय में मेरा दिमाग एक ही काम पे फोकस रहता है, इसलिए उसको मैं थोड़ा सा रचनात्मक तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो रहा है जिसके कारण मैं इस वीडियो को दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगी और ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जी, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो मल्टीटास्किंग पार्ट 2 में एक नई सोच के साथ। एक तब तक के लिए बाय, टेक।